राधे कृष्णा टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ सचिन यादव फ्रॉम नीमराणा इन राजस्थान स्टेट। आई एम एन एमएससी इन मैथमेटिक्स। आई विल ट्राई टू मेंटेन माय 100% आउटपुट इन दिस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट नाउ। आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बीएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट जो हमारी रनिंग में, उसका ये लेक्चर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर थर्ड में जो वेन आयलर डायग्राम है इसको समझेंगे, और जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं सेट्स पे, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिजॉइंट सेट हो गया, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इन सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेन आयलर डायग्राम क्या है। वेन आयलर डायग्राम जो है ना, वो सेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब पिक्चर फॉर्मेट में सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, क्या है वेन डायग्राम है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। वेन डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन विच सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एनक्लोज्ड रीजन इन द प्लेन, इन द प्लेन। ओके, जो सेट हैं उनको अगर हम पिक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो वो जो डायग्राम है वही क्या है, वही क्या है, वेन डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो सेट्स होते हैं वो क्लोज्ड कर्व से डिनोट किए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो सेट्स हैं वो किसी फिक्स्ड सेट के सबसेट भी बनते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो वो जो आप एक बड़ी शेप लेते हो ना, आपने 11th क्लास में देखा होगा, वहां पे जो हम रेक्टेंगल बनाते थे उसको हम क्या बोलते थे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल को भी लिख लो, यूनिवर्सल सेट यू रिप्रेजेंटेड बाई यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई ए क्लोज्ड रीजन एज रेक्टेंगल। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम जो क्लोज्ड रीजन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, वो क्या लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। और सेट के लिए एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एनी क्लोज्ड कर्व्स इन दैट रेक्टेंगल। मतलब जैसे आप ये एक रेक्टेंगल बना रहे हो, ठीक है, इसको आप क्या लेके चलोगे, यूनिवर्सल सेट। क्या लोगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसमें आप कोई भी क्लोज्ड कर्व ले लो, ये ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, वो भी चलेगा। जैसे ये हो गए, ये दो मैंने क्या ले लिए, ये सेट ले लिए। ओके, तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, यही क्या है, यही वेन डायग्राम है। ठीक है, अब इसके जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उन पे आते हैं। तो अब देखते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नंबर वन, यूनियन ऑफ सेट्स। अगर आपको मान लो दो सेट दे दिए तो उनका यूनियन आपको निकालना है। देखो, जैसे ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, और इसमें मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं सेट ए बोल रहा हूं और इसको सेट बी बोल रहा हूं, और ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है सेट का, इसमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई एलिमेंट यहां पे ले लिया तो ए में आ रहा है, यहां पे ले लिया तो बी में आ रहा है। अगर मैं यहां पे ले लूं तो दोनों में, ए में है कि नहीं है, है, बी में है कि नहीं है, है। तो यूनियन की डेफिनेशन ये थी ना, या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ए में भी है, बी में भी है, इसका मतलब ए में हो या बी में हो या दोनों में हो,
दोनों में हो उसको हम डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम बोल चुके या तो ए में हो, अगर यहां पे है तो ए में भी तो है, या फिर बी में हो तो ये बी में भी तो है, ठीक है। तो ये जो मैंने तीन डॉट बनाई, ये जो पूरा रीजन है, ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पूरा रीजन। ओके, ये क्या है? ए यूनियन बी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो, ए यूनियन बी इक्वल, ये खुद में एक सेट होगा। कैसा सेट होगा? इसमें वो एलिमेंट होंगे एक्स डिफाइनर सच दैट, ऐसे एक्स होंगे जो या तो ए में हो या फिर और मतलब या फिर बी में हो, ठीक है। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, अगर दो सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, हाँ, तो इंटरसेक्शन पे थे, दो सेट मैंने ले लिया, सपोज एक ये सेट ले लिया और एक ये सेट ले लिया, ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं कोई एलिमेंट तो वो ए में है क्या? बिल्कुल है। क्या वो बी में भी है? दोनों में होना चाहिए था, नहीं है, तो यहां ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा, ये वाला, ये भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ए का जो रीजन वो नहीं आ रहा, ये वाला बिल्कुल चलेगा, इसमें ए भी है और बी भी है, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन, ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो अब इसकी अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एक्स डिफाइनेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, बोथ को, एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। यानी ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में भी हो और बी में हो, दोनों सेट में हो, ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं डिजॉइंट सेट की, डिजॉइंट सेट क्या होता है, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, अगर मैं सेट ए और सेट बी लेके चलूं तो ए और बी में अगर मैं इंटरसेक्शन फाई बता दूं, ठीक है, उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, यानी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो, तो वो बनेंगे दोनों डिजॉइंट सेट, ठीक है। सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी mutually disjoint set, disjoint sets if they have no common elements, common element, okay। सेट ए और सेट बी, ये तो सेट लिए मैंने, इन दोनों सेट को हम म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट बोलेंगे कब, अगर इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका मीनिंग और लिख लो, दैट इज ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन जब लेंगे वही तो होता है कॉमन, ठीक है, वो नल सेट हो, फाई हो, यानी कॉमन एलिमेंट कोई ना हो, ठीक है। तो डिसजॉइंट के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है, ए और बी का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने सेट ए ले लिया 2, 4, 6 और सेट बी ले लिया 1, 3, 5, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, कोई नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नल सेट है, फाई है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब भी फाई आएगा तो आप उसको क्या बोलोगे, ए और बी को, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ओके, ठीक है। अब दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या होता है और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इनको और देखते हैं। देखो तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स की अगर बात करो तो मैं कोई दो सेट लेके चल रहा हूं, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन difference of
ए एंड बी डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, कैसे डिनोट किया जाएगा, किससे डिनोट किया जाएगा, डिफरेंस है तो ए माइनस बी से, ठीक है, ए माइनस बी, और डिफाइन कैसे किया जाएगा, अब ए माइनस बी ये खुद भी एक सेट होगा, डिफरेंस जब निकालेंगे तो, ठीक है, कैसा सेट होगा, इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स डिफाइन सच दैट जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अगर आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और उनको माइनस करना है तो आपको ए सेट के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है, ठीक है। मतलब देखो, अगर आपके पास सेट ए है 2 3 4, सेट बी है 2 3 5, ठीक है, तो अगर मैं a माइनस बी निकाल लूं तो क्या आएगा, a माइनस बी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेट a के वो एलिमेंट लो जो b में नहीं है, ठीक है, सेट a के वो एलिमेंट, a के एलिमेंट आएंगे कौन से आएंगे जो b में नहीं है, तो b में तो 2 3 है, तो a का कौन एलिमेंट b में नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, 4। समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो, a माइनस बी निकालने के लिए a लिखो 2 3 4 माइनस b 2 3 5, ओके, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ए में सेट आ दो, जो बचेगा ए का वो लिख दो, कॉमन एलिमेंट 2 3 है, 2 3 हटा दो, क्या बचेगा 4, ओके, इसका मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट लेने ए के जो बी में नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया इनका डिफरेंस, ओके। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो वो कैसे निकाल लें। अच्छा, एक चीज और, ये तो मैंने ए माइनस बी बताया, ऐसे ही अगर मैं b माइनस ए निकालू तो सिमिलरली b माइनस ए तो क्या बनेगा, वो x आएंगे जो b में तो है, जो b में तो है लेकिन a में नहीं है, ये डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे, कोई भी सेट है आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में जो यूनिवर्सल सेट होता है ना उसके एलिमेंट आते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। देखो, लेट ए बी एनी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू अदर देन सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। समझो इसको क्या कह रहे हैं, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू, यहां पे इसको डिनोट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट का वो सेट होगा अदर देन सेट ऑफ एलिमेंट ए, जिसमें एक एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे ए रेज टू पावर सी से या फिर ए डैश से। तो ए डैश क्या बना, जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट, वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, मतलब ए के एलिमेंट को हटा के, तो माइनस ए कर दें, ठीक है, मतलब यू के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये वाली डेफिनेशन आ गई, डिफरेंस वाली, ठीक है। तो किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डैश निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो, ओके। जैसे आपके पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू 10, कंटिन्यू है 1 to 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ए दे रखा है 5 6 7 8 9 10, तो ए डैश अगर मैं निकालू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो क्या बनेगा, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सल पूरा है, उसमें से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो ए में आ रहे, कॉमन आ रहे उनको हटा दो, तो वही एलिमेंट बचेंगे जो ए में नहीं है। तो ये चार एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है, यू में है, ठीक है, ओके। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, आपके पास दो सेट हैं, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं,
तो मैं कोई दो सेट ले लेता हूं, सपोज ए और बी, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, देखो दो सेट आपके पास ए और बी, उनके सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इससे डिनोट करते हैं, प्लस और सर्कल बना दो प्लस पे, ठीक है, या फिर ट्रेंगल बना दो, ये दोनों ही किसको डिनोट कर रहे हैं, ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और डिफाइन कैसे किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इक्वल ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही मीनिंग है। देखो वेन डायग्राम इसका, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, दैट इज यू, ठीक है। इसमें मैंने दो सेट ले रखे हैं, सेट ए और सेट बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, ये ए और ये बी, ओके। तो दोनों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या कहता है, ए माइनस बी निकालो पहले तो आप, है ना। ए माइनस बी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो ए में तो है बी में नहीं है, ठीक है, यानी ए में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो बी में भी आ रहे हैं, तो ए में से वो रिमूव कर दो जो बी में आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन रिमूव करना है, तो इधर वाला बचेगा, ये वाला क्वेश्चन बचेगा, ये क्या है a माइनस बी है, ये क्या है a माइनस बी, ठीक है। और अब ये निकालो b माइनस a, यानी b में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो a में आ रहे हैं, ठीक है, तो b में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो a में आ रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें a के कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये होगा आपका b माइनस a, और दोनों का यूनियन लेना है, दोनों का यूनियन, ठीक है, तो ये क्या है यूनियन है दोनों का, ओके। तो ये बन गया आपका ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, या फिर इसको देख लो ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी जब मैं निकालूंगा तो ये भी आएगा और बीच वाला भी आएगा, तो ये तो हो गया ए यूनियन बी, कौन सा बीच वाला भी शामिल है, इन दोनों के साथ बीच वाला भी शामिल है, और उसमें से कह रहा है हटा दो, किसको हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हटा दिया तो क्या बचा, यही बचे, ठीक है, तो ये क्या है ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है, ओके। तो जो फंडामेंटल ऑपरेशन थी सेट्स पे वो कंप्लीट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।